Yes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हो? वेलकम इन द फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th. Yes. चैप्टर साइकोलॉजी स्पोर्ट्स स्कूल्स राठौड़ स्कूल्स भैरव. साइकोलॉजी स्पोर्ट्स मैथ लेक्चर. This is video. What is psychology and types of personality? Types of personality की बात की थी हमने according to Sandlin. Sandlin according to body structure के body. Body structure. जो सैंडल है बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी थ्री टाइप्स, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. अकॉर्डिंग टू ज्यूंग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टू टाइप्स, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट और सोशल डायमेंशन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग और Big Five Theory personality and according to emotional dimension. Now we will start motivation. Topic. Motivation. What is motivation? Motivation is an important part area in psychology. जो आपका psychology की स्पोर्ट्स है उसके अंदर एक important part है आपका motivation, जिसको हम हिंदी बोलते हैं प्रेरणा. अगर motivation की बात करते हैं तो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को विदाउट मोटिवेशन उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना बहुत ही मुश्किल है. या फिर जो हमारा गोल है इसको अचीव करने के लिए जो डायरेक्शन है, दिशा निर्देश बोलते हैं इसको, दिशा निर्देश मिलता है वो आपका क्या है, प्रेरणा है. तो आपका मोटिवेशन इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन साइकोलॉजी. मोटिवेशन हैज द इमेंस इफेक्ट ऑफ लर्निंग. इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन लर्निंग इन रेट ऑफ स्लो, राइट. तो मोटिवेशन आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका साइकोलॉजी का, जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए दिशा निर्देश किया जाता है या फिर अपनी इच्छा के अनुसार उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं. द वर्ड ऑफ मोटिवेशन इज डिवाइडेड टू फ्रॉम लैटिन वर्ड. मोटिवेशन क्या था? टू डिवाइडेड वर्ड लेटिव वर्ब बन गया है ये लेटिव और मूव वर्ब मॉर्निंग विजन चेंज. प्रेरणा के द्वारा अपने आप को चेंज करना, उस गोल को अचीव करना, राइट. तो आपका ये क्या है?
मिनिमम मार्क्स हो सकता है बॉडी डिसिप्लिन का लैटिन वर्ड है जिसके अंदर में लैटिन और वर्ड में अपने आप को चेंज करना। मोटिवेशन इज द काइंड ऑफ इनर फोर्स ऑफ विच ऑफ एनर्जेटिक ऑफ इन द पर्सन ऑफ मेक ऑफ कंसेंट ऑफ एफर्ट इन अनदर वर्ड मोटिवेशन ऑफ कंडीशन विच इज द इंक्रीजिंग ऑफ डिजायर टू परफॉर्म बेटर अकॉर्डिंग टू गोड्स मोटिव इज ए प्रोसेस ऑफ अराउजिंग सस्टेनिंग एंड रेगुलरिटी द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू ग्रो मोटिवेशन इज द एनी कंडीशन दैट माइट ऑफ एनर्जाइज एंड डायरेक्ट ऑफ एक्शन properly towards the achievement motivation directly related to best performance और जो आपका motivation है किसी भी चीज को better performance देने के लिए use किया जाता है better performance के लिए use करते हैं कोई भी mean एक average player भी अपने performance को अच्छी रिप्रेजेंट कर सकता है उसको अगर मोटिवेट किया जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर अगर कोई डांस करता है प्लेयर मीन अपनी परफॉर्मेंस भी अगर दिखा नहीं पाता तो उस मोटिवेशन को मोटिवेट किया जा सकता है और उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। मोटिवेशन समझ चुके क्या है कि मोटिवेशन आपका टू वर्ड से बना है और जिसके अंदर नेगेटिव वर्ड है और मोर भी अपने आप को चेंज करना मीन एक प्रकार का गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन क्या है किसी भी प्रकार के गोल को अचीव करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है वो आपका मोटिवेशन है जिसको हम प्रेरणा बोलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई कार्य करता है किसी के कहने पे तो आपकी एक प्रेरणा है या फिर मोटिवेशन है वो मोटिवेशन आपको टीचर्स के द्वारा मिल सकता है अपने पेरेंट्स के द्वारा मिल सकता है या फिर अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उसके द्वारा भी मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेट का इम्पोर्टेंट रोल है साइकोलॉजी के अंदर एक मोटिवेशन के द्वारा ही अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया जा सकता है और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मोटिवेशन की बात करते हैं तो आपका टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टू टाइप्स इंटरनल मोटिवेशन जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आपकी बेसिक नीड के अंदर आता है इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन स्पेशल नीड या बायोलॉजिकल नीड जो आपकी बायोलॉजिकल नीड है उनकी आवश्यकताओं अगर पूरी हो जाती है वो आपका इंटरनल मोटिवेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मीन हम कंटिन्यू वॉक करते हैं तो हमें बिल्कुल भूख लगी है अगर हमें अगर टाइम पे खाना मिल जाता है राइट
तो आपकी क्या है, खुद के अंदर मोटिवेशन की भावना पैदा होती है और काम करने का मन करता है। जैसे आपके खाने से रिलेटेड है, सोने से रिलेटेड है, या फिर आपकी जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, वो आपको कंप्लीट क्या है, इंटरनल मोटिवेशन होती है। एक अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और साथ अपने आप मोटिवेशन की भावना पैदा होती है। जो आपकी फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर आपकी बायोलॉजिकल न्यूज और इसके अंदर थ्रस्ट, हैंगर, सोशल नीड, फ्रेंड्स ईटीसी, साइकोलॉजिकल नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, लव, सेल्फ एस्टीम, पर्सनल नीड, सेफ्टी, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिकल ईटीसी, बेस्ड अपॉन बॉडली नीड, इंटरेस्ट, नेचर, इमोशनल नीड एंड सोशल नीड। काफी सिंगल सिंगल फ्रेंड्स नीड हो सकते हैं, सोशल नीड, सोशल नीड, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके इंटरनल मोटिवेशन के अंदर आते हैं, राइट। जो आपके जिस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, तो मेन एक प्रकार की प्रेरित होते हैं, या फिर इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, जो आपकी बायोलॉजिकल नीड हो सकती है, थ्रस्ट है, अगर अगर हमें प्यास लगी है, टाइम पर पानी मिल जाता है, तो उसी के अंदर भी एक प्रकार का इंटरनल मोटिवेशन देखने को मिलता है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, अगर इंटरनल मोटिवेशन की बात करते हैं, गोल सेटिंग, इंटरनल मोटिवेशन के अंदर गोल सेटिंग, नॉलेज, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑटो सजेशन, या फिर क्या है, इंटरनल मोटिवेशन के साथ, क्या है, इंटरनल मोटिवेशन के पार्ट है। कैसे, इन आपकी गोल सेटिंग क्या है, नेशनल लेवल मेडल प्राप्त करना, नेशनल मेडल, अगर आप नेशनल मेडल प्राप्त कर लेते हो तो उस गोल को अचीव कर लेते हो और अपने आप के अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन की भावना पैदा होती है। नॉलेज, मीन उस नॉलेज को कंप्लीट करने के बाद, मीन मेरे अंदर उस नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए अच्छे नॉलेज है, उसके लेवल की मैं प्रिप्लानिंग कर सकता हूँ, उसकी तैयारी कर सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी भी एक्टिविटीज के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, राइट, मीन हम अगर पॉजिटिव के साथ मैच है तो हम ये मैच विनर जीतेंगे, या फिर इस मैच को हार नहीं सकते इस मैच के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग फोटो सजेशन और नॉलेज, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्या है, इंटरनल मोटिवेशन में काम करता है, जहां पर जो आपकी पर्सनल नीड है उसको अगर कंप्लीट कर लिया जाता है तो आपका जहां पर इंटरनल मोटिवेशन काम करेगा, ठीक है। कंप्लीट जो एक फैमिली से रिलेटेड या फिर अपने लाइफ से रिलेटेड जो आवश्यकता हम उनको पूरा कर लेते हैं, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन देखने को मिलता है, या फिर इंटरनल मोटिवेशन की भावना पैदा होती है।
जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं सोशल नेट, बायोलॉजिकल नेट, फ्रेंड्स नेट, पर्सनैलिटी नेट, न्यू पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किस प्रकार की इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होती है, किस प्रकार के इनकम सोर्सेज हो हमारे पास में, अच्छा टाइम हो जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें, तो कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो इंटरनल मोटिवेशन को हेल्प करती है। उसी के अकॉर्डिंग जैसे एक पर्सन फिजिकल फिट है और उसी के अकॉर्डिंग दूसरा पर्सन भी हैंडीकैप्ड है, तो मैं अपने आप में डीमोटिवेट होता है तो जहाँ पर वो हैंडीकैप्ड पर्सन है, और मीन अगर फिजिकल रूप से फिट है हमारी अच्छी पर्सनैलिटी है तो अपने आप के अंदर में एक मोटिवेशन है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन देने को मिलता है। और एक मोटिवेशन के द्वारा ही अपने परफॉर्मेंस को कायम रख सकते हैं या अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। चलिए तो डिफरेंस क्या है, जो इंटरनल मोटिवेशन है वो अपने इंडिविजुअल नीड के लिए जरूरी है या फिर इंडिविजुअल नीड समझते उसको, जहां पर अगर आपको प्यास लगी है, भूख लगी है, सोशल नेट की जरूरत है, फ्रेंड्स के सर्कल की जरूरत है, ये सब चीजें क्या आपकी इंटरनल मोटिवेशन के अंदर काम करती है। फर्स्ट हम देखकर चुके इंटरनल मोटिवेशन, सेकंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। यस, सेकेंड पार्ट दिस इज अबाउट एक्सटर्नल मोटिवेशन। यस ओके, सेकेंड पार्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।